विनेश फोगाट के बारे में सर। जैसे विनेश फोगाट की मुलाकात दीपेंद्र हुडा से, भूपेंद्र सिंह हुडा से 3 दिन पहले, खबर आई थी प्रियंका राहुल से भी मिलने वाली, मिली नहीं, लेकिन इन सब से मिलना, विनेश फोगाट के वेलकम ब्रिगेड में दीपेंद्र हुडा का होना, हालांकि सवाल मैंने दीपेंद्र सिंह हुडा से भी पूछे, तो क्या, और लगातार विनेश गांव-गांव में घूम रही है, कुछ उनका स्वागत हो रहा है, ये हो रहा है, क्या कुछ पॉलिटिकल उनका एम्बिशन या पॉलिटिकल कुछ दिख रहा है, टिकट और दावेदारी या ऐसा कुछ? देखिए अजीत जी, जो मुझे पता था कि आप ये सवाल जरूर पूछेंगे, तो मेरे रास्ते में जब आपका इशारा हुआ तो मैंने पहले वहाँ से पूरा फीडबैक लिया और मैं आपके सामने तभी आऊँगा जब मेरे पास कुछ कंक्रीट हो। तो मैंने तमाम इधर उधर से सोर्स इकट्ठे किए, जहाँ तक बिल्कुल न्यूट्रली, अपना किसी से कोई वास्ता नहीं है, विनेश की हार्दिक इच्छा ये है कि वो अपना ओलंपिक अगला खेले, बट यस्टरडे शी हैज़ गॉन 30 ईयर्स ऑफ एज, 30 साल की होगी, अगला ओलंपिक जब होगा तो वो 34 साल, लेकिन उसकी इच्छा ये कि जो इस बार मिस हो गया, हाथ में आई हुई चीज़, उस अपॉर्चुनिटी को मैं ग्रैब करूँ। ये एज ए स्पोर्ट्समैन उसकी अपनी राय है, हालांकि उसने वहाँ संन्यास की घोषणा की थी पेरिस में, लेकिन यहाँ आते ही वो आपको अपने उससे कहीं ना कहीं कि मेरे अंदर बहुत कुश्ती है और आई वॉन्ट टू डू दिस एंड दैट, और यूथ भी करे, और मैं कॉमनवेल्थ नहीं खेलूंगी, मैं तो केवल ओलंपिक ही खेलूंगी, ऐसी बात उसने कही, इच्छा जताई। कुश्ती एक ऐसा खेल है अजीत जी, जिसमें आपको रिगरस और रेगुलर एक्सरसाइज करनी होती है, सारी कवायद और वसा, जहां तक मैं समझ पाया, जो मेरा उसी एक रात में पता चल गया कि एक रात आप क्या मतलब है, 100 ग्राम का क्या मतलब, कयामत की रात क्या थी, वो 100 ग्राम पे बेचारी गोल्ड मेडल से दूर हो गई, नहीं तो सिल्वर तो था ही, गोल्ड छोड़ भी दीजिए। उस लड़की की हार्दिक इच्छा ये है कि मैं इस एक ओलंपिक में और ट्राई करूँ, अब वो सफल नहीं होगी वो तो ऊपर वाला जाने, लेकिन इंटरनल सूचना ये भी है, कांग्रेस पार्टी ने कहीं उसको ऑफर नहीं किया है जो मेरी जानकारी है किसी भी रूप में, और ये जो दीपेंद्र हुड्डा हैं, अपने सोनिया, राहुल गांधी हैं, प्रियंका, अगर आपको ध्यान हो जब जंतर मंत्र पे बैठते थे तो ये बहुत रेगुलरली जाते भी थे उनके पास, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई संघर्ष का एक दौर नई चीज़ है, हाँ, कोई नई चीज़, उनकी मेल मुलाकात को कोई ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात जो अंदर की बात यह है कि जो विनेश के ससुर साहब हैं और जो उनके पतिदेव हैं, उनकी ये जरूर इच्छा है कि विनेश चुनाव लड़े, सोमवीर की, सोमवीर राठी उनके हस्बैंड हैं, उसमें एक छोटा सा क्लॉज है, बहुत सारे साथी हमारे जर्नलिस्ट जिनको आइडिया नहीं है परंपराओं का इनका उनका जो इधर उधर बैठे हैं, कि ये अपनी बहन बबीता के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी दादरी से, ऐसा लगातार आप खबरों में पढ़ रहे हैं, फोगाट, बबीता फोगाट, महावीर की बेटी हैं और इनकी चचेरी बहन, अब बीजेपी में, बीजेपी में है, पिछली बार बीजेपी चुनाव लड़ी थी। 2-3 चीजें मैं आपके दर्शकों के लिए स्पष्ट कर दूं, एक तो नंबर एक जो ये है इनका जो कंस्टिट्यूएंसी है बलाली गाँव जो है, एक तो दादरी में नहीं पड़ता, बाडरा कंस्टिट्यूएंसी है पहली बात। दूसरा, विनेश फोगाट हरियाणा की एक मैरिड लड़की है और वो कहाँ ब्याई हुई है, जुलाना के अंदर, जुलाना असेंबली के अंदर, तो अगर कभी विनेश को चुनाव लड़ना पड़ा तो वो मायके में चुनाव हमारे यहाँ नहीं लड़ते, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, गीता बुक्कल का केस आपको याद होगा बहुत पहले, नहीं तो मायके में नहीं, वो जब भी चुनाव लड़ेगी वो जुलाना में लड़ेगी, उसके जो राठीज हैं वो वहाँ के हैं। वो इस बार जहाँ तक विनेश का सवाल है, उसकी इच्छा अभी वो उसने डिसीजन नहीं किया है, लेकिन शी इज़ मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स रेसलिंग, और जो उसका इन लॉज का परिवार है, दे आर सर्टेनली इंक्लाइंड टुवर्ड्स, दे आर नॉट सेइंग पॉलिटिक्स, दे आर सेइंग कि सोशल सर्विस में आना चाहिए, तो अब सोशल सर्विस का मायने कुछ चीज़ें जो कुछ आप सीधा नहीं कहते तो सामाजिक उसको जोड़ दीजिए, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है मुझे लगता है कि विनेश की अगर चली तो वो ये चुनाव कम से कम बहुत कारणों से नहीं लड़ेंगी, और उसका सबसे बड़ा कारण जो भारतीय जनता पार्टी लगातार आपको ध्यान है क्या कहती है, ये कि ये कांग्रेस के एजेंट है और उनकी जो लड़ाई है, एजेंट तो डायरेक्ट नहीं भी कहें, लेकिन हाँ आरोप लगता है जो कि आपको कांग्रेस प्रायोजित है, दीपेंद्र हुडा क्यों गए, तो पहले क्यों गई थी प्रियंका, क्यों गई थी, तो अभी चूंकि आपको ध्यान होगा कड़कड़ डूमा कोर्ट की जितनी भी कोर्ट्स हैं जहाँ पे ये ब्रजेंद्र वाला इसका केस चल रहा है, ब्रजभूषण वाला, उसकी हियरिंग परसों से ही शुरू हुई है, रेगुलर चार्जशीट और ये सारा, तो ऐसे में अगर वो चुनाव लड़ती है तो वो अपने कॉज भी उसका डिफीट हो जाएगा, और जहाँ तक राजनीति में आने की बात है, शी इज़ ओनली 30, यस्टरडे 30 पूरे किए, तो अगले चुनाव में 35 की होगी, कोई बड़ी बात तो है नहीं, तो शी कैन रियली वेट, अगर क्योंकि उसने लड़ाई आप देखो जंतर मंतर पे 140 दिनों तक लड़ी है, तो उस लड़ाई को वो इतनी छोटी सी चीज़ के लिए, क्योंकि शी इज़ अ सेलिब्रिटी हरसेल्फ, 2016 से ओलंपिक खेलती आ रही है, कोई बड़ी चीज़ उसके लिए टिकट विकेट विधायक कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, तो जहाँ तक उसका जो जुनून आपने देखा है, जो उसका मिशनरी भाव देखा है, जो उसकी संघर्षशीलता देखी है, और जो अब तक की उसकी सारी जो जीवन यात्रा है, मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह का राजनीति में आएगी। हाँ, उनके जो इनलाज हैं उनकी इच्छा जरूर है, बाकी
दो चार दिन के अंदर सामने आ जाएगा मेरे हिसाब से कि उनके चुनाव लड़ने के चांसेस 1% से भी कम है। कम तो लड़ा तो जुलाना से लड़ेंगे। एक बात इन्होंने कम से कम अपनी जानकारी के आधार पर कह दी कि विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने के चांस 1% से कम है। जी, मतलब ना के बराबर, ना के बराबर। ये हेमंत अत्री का अपना की विश्लेषण भी है, जानकारी भी है, जो भी है। अब क्या होता है ये पता चलेगा, क्योंकि टिकट अभी तक के तय कार्यक्रम के हिसाब से अगर चुनाव होगा तो सितंबर के पहले सप्ताह में टिकट का अनाउंसमेंट करना पड़ेगा और टिकट का अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो अब वक्त कम है, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल हेमंत अत्री साहब से इस बातचीत को यहीं ख़त्म करते हैं और विराम देते हैं। हम लोग रोहतक में भी और लगातार मिलेंगे और हरियाणा की यात्रा हमारी होती रहेगी चुनाव के दौरान। जी जी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत इंतजार करेंगे। हाँ, आप जल्दी, क्योंकि चुनाव में मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता जी, आई, आई, है और मेरे लिए भी ये पर्व की तरह होता है, उत्सव की तरह। तो हरियाणा और श्रीनगर, कश्मीर, कश्मीर के अलग अलग जगह तो कोशिश करूंगा वहाँ भी जाऊँ, फिर उसके बाद महाराष्ट्र है, लेकिन अभी हरियाणा सटा हुआ है और किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा को बहुत करीब से मैंने देखा भी है। हरियाणा के लोग मुझे खास, लेकिन अजीत जी एक चीज़ खास मोहब्बत भी करते हैं। एक चीज, एक चीज़ आपको और ध्यान रखना, आपको मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए। अगर मोदी जी नहीं चाहते तो आपको चारों राज्यों में नहीं जा सकते। मोदी जी ने आपकी बड़ी मदद की है। वन नेशन वन इलेक्शन के तहत अगर इकट्ठा चुनाव कर देते तो आप इनमें से दो ही स्टेट में जाते। इसका दूसरा पहलू है कि 15 अगस्त को आप वन नेशन वन इलेक्शन पर भाषण देते हैं, 16 अगस्त को दो इलेक्शन इधर दो का पता नहीं करते हैं, जो उपचुनाव इतनी सीटों पर यूपी की 10, राजस्थान छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। तो ये तो देखिए कहने की बात है, पारदर्शी जुबानी जमा खर्च, लाल किले से बोला और हकीकत दोनों फर्क है। अब लाल किले का जिक्र चला तो बात निकली है दूर तलक जाए। दो साल पहले इसी लाल किले से जिस दिन वो भाषण दे रहे थे महिला और नारी सम्मान का 75 साल पूरे होने पे, उसी दिन आजादी के अमृत महोत्सव पे, उसी दिन गोधरा में रिहा कर दिया गया था 11 दरिंदों, जिस समय इनका भाषण चल रहा था नारी सम्मान, वहां वो मिठाई स्वागत हो रहा था, स्वागत माला। तो ये तो मोदी जी हैं। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और आपको समझना पड़ेगा कि कैमरे के हिसाब से कैसे लाइट रखा जाता है। फिलहाल मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूं, क्योंकि हमारे सहयोगी थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं कि लाइट यहां लगाएं कि वहां लगाएं कि नीचे लगाएं कि ऊपर लगाएं, इधर लगाएं, हंस रहे हैं पीछे से। तो नमस्कार। लाल किले से बोला और हकीकत दोनों फर्क है। अब लाल किले का जिक्र चला तो बात निकली है दूर तलक जाएगी। दो साल पहले इसी लाल किले से जिस दिन वो भाषण दे रहे थे महिला और नारी सम्मान का 75 साल पूरे होने पे, उसी दिन आजादी के अमृत महोत्सव पे, उसी दिन गोधरा में रिहा कर दिया गया था 11 दरिंदों, जिस समय इनका भाषण चल रहा था नारी सम्मान, वहां वो मिठाई स्वागत हो रहा था, स्वागत माला। तो ये तो मोदी जी हैं। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और आपको समझना पड़ेगा कि कैमरे के हिसाब से कैसे लाइट रखा जाता है। फिलहाल मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूं, क्योंकि हमारे सहयोगी थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं कि लाइट यहां लगाएं कि वहां लगाएं कि नीचे लगाएं कि ऊपर लगाएं, इधर लगाएं, हंस रहे हैं पीछे से। तो नमस्कार।